वेलकम बैक फ्रेंड्स आज की नई वीडियो में। सो आज हम नवरात्रि के दूसरे दिन बनाने जा रहे हैं नया दूसरा हमारा स्पेशल नवरात्रि स्पेशल डिश जो कि है आलू की सब्जी और चीला, जो कि बहुत ही क्विक हैक है और बहुत ही इजीली हम लोग बनाना सीखेंगे। और चलिए शुरू करते हैं इंग्रेडिएंट्स से, हम लोग को क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। मैम आलू फ्राई कर रही हैं, यह हाफ डन आलू फ्राई हैं, कुछ नहीं, आलू को उबाल के और फिर उनको छोटे छोटे काट के अभी फिलहाल फ्राई करके रख दिए हैं, थोड़ा ठंडे हो जाएंगे फिर इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे कुरकुरे बनाने के लिए, वो भी दिखाऊंगा आज। सो अभी मैंने आलू की सब्जी के लिए आलू उबाल के रख लिए हैं, साथ में अदरक रख लिए काट के बारीक कटी हुई, मिर्च बारीक कटी हुई, धनिया पत्ती, नमक, चिली फ्लेक्स, टमाटर को कद्दूकश कर लिया है और गरम मसाला। तो इन्हीं सब मसालों से हम लोग बनाएंगे। और साथ में ये कौन सा मसाला है हमारे पास, काली मिर्च पाउडर भी है। तो इन्हीं सब मसालों से हम लोग मिलके बनाएंगे आज। कढ़ाई नहीं है, छोटी सी कढ़ाई ली है क्योंकि मैम के अकेली के लिए बनेंगी ये सब्जियाँ। तो चलिए बनाते हैं, आज प्योर देसी घी में बनने जा रहा है खाना। तो जीरे का लग गया छौंक, तेल हो चुका, घी हो चुका है गरम। अब इसमें डालेंगे अदरक और मिर्च, हरी मिर्च। जैसे ही थोड़ा सा अदरक हल्का सा ब्राउन होता है, क्योंकि अदरक का ना कच्चा स्वाद आता है, नहीं तो थोड़ा सा ट्राई कीजिए हमेशा अदरक को थोड़ा पका लें। अदरक जैसे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होगा हम डालेंगे उसमें टमाटर प्यूरी। इसको कद्दूकश किया एक्चुअली मैंने, प्यूरी नहीं बनाया है, प्यूरी में तो एकदम ही ज़्यादा स्मैश हो जाता है। क्या रंग वाले हैं यार, हमेशा ट्राई कीजिए रंग वाले टमाटर लेने के, मज़ा आता है, देख खाना अलग ही बनता है। यहाँ पे डल रही है नमक, थोड़ा सा हमेशा टमाटर डालने के बाद हैक याद रखिएगा, थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, टमाटर जल्दी पक जाएंगे आपके, गैस कम जलेगी और स्वाद भी अच्छा आएगा। जैसे ही नमक मिला टमाटर ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया, देखिए पानी छूट रहा है टमाटर से, पूरा पानी निकल रहा है, देखिए पानी निकल रहा है। अब डालेंगे हम काली मिर्च पाउडर स्वाद अनुसार, गरम मसाला पाउडर स्वाद अनुसार। लाल मिर्च नहीं खाते हैं। हाँ हाँ, मैं भी नहीं खाती, लाल मिर्च कहते हैं पिसते टाइम सरसों का तेल यूज होता है, सरसों का तेल नहीं खाया जाता, इसलिए मैं चिली फ्लेक्स यूज करती हूँ। सो नवरात्र में सिंस लाल मिर्च पाउडर सरसों के तेल में पिसता है, इस वजह से चिली फ्लेक्स यूज करते हैं, ये भी चीज़ नहीं सुनने को मिली कैसा होता है, मतलब अगर आप लोग खाते हो तो खाओ। अब इसको हम पकने देंगे तेल आने तक ऊपर, अब इसको पूरा पकने देंगे जब तक तेल ऊपर आ जाए, धीमी आंच पे है। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स मैम ने स्वाद अनुसार डाला है अपने, क्योंकि मैम को तीखा खाना पसंद है। गाइस सबसे मेन इंग्रेडिएंट तो हम भूल ही गए थे आज, धनिया पाउडर, उससे मेन स्वाद आता है। डल गई धनिया पाउडर, अच्छा इसमें हल्दी नहीं खाते नवरात्रों में, हल्दी नहीं खाते, धनिया पाउडर डल चुकी है। और धनिया पाउडर डलते ही देखो कलर, देखो फट से चेंज होता है कलर। थोड़ा सा पकाएंगे मसालों को, हालांकि तेल ऊपर आना शुरू हो गया हल्का हल्का, लेकिन मसाले पकना ज़रूरी है। तो गाइस अब डाल रहे हैं हम आलू, आलू का से हाथों से तोड़ के छोटे छोटे करके डाल देने हैं, आंच को धीमी करके, नहीं तो मसाला जल जाएगा। इसमें कोई स्पेसिफिक साइजेस नहीं होते आलू के कटे हुए, बॉइल्ड रहता ये। काफी अच्छी रंगत,
दम आलू जैसा पहले इसको हम लोग पका रहे हैं, फिर इसमें इसको रस्सा वाला आलू बोलते हैं, करी वाला। सो अब गार्निशिंग के लिए हम लोग डाल रहे हैं इसमें धनिया पत्ती, क्योंकि धनिया पत्ती के बिना खाना पूरा नहीं होता। सो धनिया पत्ती डाल दी है, इसको मिला के थोड़ी देर पकाएंगे और आपका रेडी है लगभग हमारा आलू की सब्जी। बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही क्विक और इंस्टेंट बन सकता है ये आलू की सब्जी और खाने में लजीज होता है। सो सब्जी लगभग रेडी है, अब इसको बस थोड़ी देर खोलाना है, खोला के फिर बंद कर देंगे। इसके साथ हम खाने के लिए लेंगे कुट्टू सिंगाड़े के आटे का चीला। बहुत लोग इसकी रोटी भी बनाते हैं, पूरियाँ बनाते हैं, पराठे बनाते हैं, लेकिन हमारी वाइफ को पसंद है चीले। तो चलिए बनाना सीखते हैं कुट्टू सिंगाड़े के आटे का चीला। बन के तैयार है आलू की तरी वाली सब्जी। गाइस, हमने यहाँ एक भगोना ले लिया है। भगोने को कई लोग बड़ा कटोरी भी बोलते हैं, हम भगोना बोलते हैं इसको। सो इस भगोने में हम लोग डालने जा रहे हैं अभी कुट्टू सिंघाड़े का जो मिक्सर ऑफ आटा है, दोनों हमने 200-200 ग्राम लेके इसको मिक्सर बना लिया था। सो अभी इसका एक पोर्शन हम लोग ले लेंगे। एक जन के हिसाब से 2 स्कूप काफ़ी होते हैं, 100 ग्राम्स होंगे मैक्स टू मैक्स, 80 ग्राम्स तो होंगे। अब कुट्टू सिंघाड़े के आटे में हम डालेंगे थोड़े मसाले स्वाद के लिए। उसके लिए पहले डालते हैं नमक, उसके बाद डालेंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स। जिनको चिली फ्लेक्स नहीं पसंद है वो लोग चिली फ्लेक्स ना खाएं, कई लोगों को दिक्कत होती है चिली फ्लेक्स से, कल की सुबह फिर दिक्कत हो जाएगी दूसरी सुबह, तो इसलिए चिली फ्लेक्स जिन लोगों को सूट नहीं करता उन लोग स्किप कर सकते हैं। साथ में यहाँ डाल रहे हैं हम लोग धनिया पाउडर, थोड़ा सा स्वाद के लिए धनिया पाउडर। सब चीज़ों को अच्छे से ड्राई में ही मिला लेंगे। अब इसमें डालेंगे फ्रेश वाटर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर डालना है, ठंडा पानी यूज़ नहीं करना है। देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिलाते जाना है, जैसे मतलब डोसे का आटा अपन चीले के लिए नॉर्मल आटा मिलाते हैं वैसे मिलाना है। तो ये चीले का जो बैटर है वो लगभग रेडी है, लेकिन इसमें कोई लम्ब्स नहीं रहने चाहिए, इसलिए इसे मथते हैं इसको थोड़ा सा। सो लगभग रेडी है, देखिए कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी इसकी रनिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, देख सकते हैं आप। इसमें नमक कम रखते हैं क्योंकि सब्जी में भी ऑलरेडी नमक। अच्छा, इसमें हम लोग नमक कम रखते हैं क्योंकि सब्जी में नमक ज़्यादा है या जो भी है। तो चलिए अब इसको बनाते हैं चीला और मिलते हैं आपको फ्राई पैन। हमने यहाँ तवा लगा लिया है और तवे पे हम लोग थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। नवरात्रि स्पेशल का ये सेकंड डिश है। पहला डिश आज मैंने डाल दिया है टिक्की और ये सेकंड डिश है, तो नवरात्र के दूसरे दिन आप लोग ले सकते हैं चीला। सो इसमें हमने लगा लिया है तेल फ्राई पैन में, मतलब जिसको तवा भी कहते हैं। तवा अच्छे से गर्म हो गया है, अब इसमें डालेंगे चीले का बैटर। शानदार पहला ये चीला, हल्के हाथों से घुमा दीजिए जैसे डोसा बनाते हैं ना। डोसा बनाना भी सिखाऊंगा बहुत जल्द, एक बार नवरात्र खत्म हुए तो फिर डोसा बनाएंगे, बढ़िया आलू डोसा, एकदम प्रॉपर डोसा। उसकी तैयारी 2 दिन पहले से शुरू करनी पड़ती है। सो मैं क्लिप टाइम बाई टाइम आप लोग को दिखाऊँगा। तो अभी फिलहाल लग चुका है चीला, अब इसको धीमी आँच पर पकने देना है, हाई फ्लेम। शुरू में हाई फ्लेम रहेगा, फिर उसके बाद धीमी आंच पे रहेगा ये। तो आंच को थोड़ा कर देते हैं हम धीमा और इसको पकने देते हैं, क्योंकि जल्दी पक जाएगा तो नीचे का बेस पक जाएगा, जल जाएगा, ऊपर पकेगा ही नहीं, इसलिए हमेशा मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए गाइस, चीला लगभग रेडी है, अब दूसरी तरफ से थोड़ा सेकेंगे इसको।
अच्छे से तेल ले लेंगे, तेल लेके अच्छे से उसको सेकेंगे। इसको हाँ, इसको आप घी में भी बना सकते हो, लेकिन हमारे पास सनफ्लावर ऑयल काफ़ी था तो हम लोगों ने उसमें बना लिया। सो देखा आपने गाइस कैसे हमने बहुत जल्दी और बहुत इजीली हमने एक बहुत स्वादिष्ट डिश बना ली, जो कि है कूटू सिंगाड़े के आटे से चीला और साथ में बहुत ही स्वादिष्ट आलू की सब्जी। ये तरी वाली आलू की सब्जी आप लोग कहीं भी जा रहे हैं, अगर आपको इंस्टेंट बनाना है, बहुत ही कम टाइम में बनाना है, तो आप लोग ये बना सकते हो। और इसमें महज 5 to 10 minutes लगते हैं, बस आलू उबालने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। मैं आप लोग को एक और बार दिखा दूँ, चीला बहुत ही प्यारा रंगत आया है, देखिए बिल्कुल रोटी जैसा लग रहा है, बहुत ही प्यारा रंगत आया है। सो फ्रेंड्स आप लोग भी जाओ बनाओ अपना चीला और अपनी सब्जी बनाओ और इन्जॉय करो अपनी नवरात्रि, और मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ, एक नए डिश के साथ। बाय बाय, हैप्पी नवरात्रि,